हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे बैंगन के भरते की रेसिपी। और ये बैंगन का भरता हम एकदम स्मोकी फ्लेवर का बना के तैयार करेंगे, जिससे कि इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बैंगन लिया है, इसमें मैं ऐसे कट्स लगा दूंगी बीच में से, 3 से 4 में इसमें कट्स लगा देती हूँ। इसको हम बीच में से देख लेते हैं, एकदम बैंगन हमारा अच्छा है, ये देखिए। अब इसी के जो हमने कट्स लगाए हैं, इसमें हम लहसुन और हरी मिर्च रखेंगे। तीनों ही कट्स में मैं अच्छे से लहसुन और हरी मिर्च रख देती हूँ, देखिए हमने तीनों ही साइड अच्छे से रख चुके हैं। अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे बैंगन को। यहाँ पर मैंने गैस ऑन कर दी है, इसमें हम अपने बैंगन को रख देते हैं और इसको हम अच्छे से चारों ही साइड से भूनेंगे। इसको हम पलटते हुए अच्छे से भून लेते हैं, ये देखिए ये बैंगन हमारा अच्छे से भून के तैयार है। गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देते हैं। देखिए बैंगन पहले से थोड़ा ठंडा हो चुका है। जो भी हमने कट्स में हरी मिर्च और लहसुन रखे थे वो हम निकाल लेते हैं और इसके हम जो छिलका है उसको निकाल लेते हैं। ये इजीली निकल कर आ जाता है ये छिलका, पूरे बैंगन में से हम निकाल लेते हैं। ये अच्छे से निकल चुका है, ये देखिए कितने अच्छे से रोस्ट हुआ है अंदर तक। इसके ऊपर के पार्ट को हम कट कर लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा नाइफ की हेल्प से कट लगा देते हैं, ये देखिए। साथ में ये जो लहसुन है और हरी मिर्च, इसको भी हम बारीक बारीक काट लेते हैं। ये सभी चीज़ें अच्छे से कट के तैयार है। अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में मैंने सरसों का ऑयल लिया है, जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा मैंने इसमें कटी हुई लहसुन और हरी मिर्च, साथ में जीरा, राई और थोड़ी सी हींग ऐड करी है। इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। जैसे ही अच्छे से भून जाएगा इसका कलर चेंज हो जाएगा। मैंने इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज को अच्छे से चॉप कर लिया था, ऐड कर देते हैं। बैंगन के भरते में ज़्यादा ही प्याज अच्छा लगता है। इसको हमें थोड़ा सा भूनना है, इसे हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। साथ ही में मैं इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर ऐड कर देती हूँ और इसमें हम नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर ऐड कर देते हैं। हल्दी पाउडर आप थोड़ा कम ऐड करिएगा ताकि इसका कलर बहुत ही अच्छा सा आए। इसको अच्छे से हम भून लेते हैं। देखिए 5 से 7 मिनट बाद ये मसाला अच्छे से भून जाएगा, तो इसमें हम बैंगन ऐड कर देंगे और इसको भी हम इसमें मसाले में अच्छे से रख के मिक्स कर लेते हैं। इसे 10 से 12 मिनट लगेंगे इसमें पकने में। इसको हम ढक्कन लगा के पकने देते हैं। 5 मिनट बाद एक बार हम चेक कर लेंगे, देखिए पहले से ज़्यादा अच्छे से पक चुका है। इसको लगभग 5 मिनट के लिए हम और पकाएंगे। जब तक ये पक रहा है मैं इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर कोयला लिया है, इसको गैस में मैं अच्छे से 5 से 6 मिनट के लिए गरम कर दूंगी ताकि ये अच्छे से गरम हो जाए। 5 से 6 मिनट बाद कोयला अच्छे से गरम हो चुका है, इसको कटोरी में निकाल दूंगी। यहाँ भरता भी बन के तैयार है। इसमें मैं हरा धनिया ऐड कर दूंगी, हरा धनिया का टेस्ट बैंगन के भरते में बहुत अच्छा आता है। इसको हम मिक्स कर देते हैं और जो हमने कोयला गरम करा था उस कटोरी को हम बीचों बीच रख देते हैं। इसमें आप तेल या घी कुछ भी ऐड करें और तुरंत ही इसका ढक्कन लगा दें और इसको कम से कम 10 मिनट के लिए रख दें ताकि ये अपना फ्लेवर इसमें अच्छे से छोड़ दे। तो इसको सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर